आज जो कार्यक्रम था गेट टुगेदर का ही था, तो भावनापूर्वक बोले तो वो अंदर से निकल गया वैसा, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता कि जो लोग मजलिस से जुड़े हैं और जिनकी वजह से MIM पार्टी सोलापुर में अपने पैर फैलाई है, वो लोग MIM से दूर जाए किसी भी वजह से, चाहे वो नेता को नहीं पसंद करके हो या लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, तो वो दूर करने के लिए मैंने लोगों को, पुराने लोगों को आह्वान किया कि वापस से आकर MIM के साथ जुड़े और MIM को और ताकत दे, इसके लिए मैं उन लोगों को बोला। सर, पिछले 4 साल से आप 2019 से 2024 तक आप सोलापुर में हैं, लेकिन जुने लोगों की आज 8वें इलेक्शन हो जिस याद आई क्या उसको कुछ और बोले? नहीं नहीं नहीं, आपकी गलत फहमी है। आज से तकरीबन 1 साल पहले हम लोग ने एक मीटिंग और लिए थे पुराने लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इनएक्टिव थे, उस मीटिंग में सारे लोग एक्टिव नहीं हुए थे। तो अब 8 महीने हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, 8 महीने हैं, तो इलेक्शन अगर है तो इलेक्शन की तैयारी करना पड़ेगा। अगर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो हमको पढ़ाई चालू करना पड़ेगा, तो ये आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन की तैयारी है। सर, तुम आपने अभी और एक जनता से कहा है कि देखो शेर आया, ये ऐसे घोषणाबाजी से वगैरह इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसके लिए हर चीज़ से मजबूत होना चाहिए, क्या एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं आप, कौन से स्थिति से मजबूत चाहिए? नहीं देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ है संगठन, तो संगठन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जैसे कि नेशनल पार्टीज़ में नाम नहीं बोलना चाहता, जो काम करती है बूथ लेवल्स पे, मतदार यादी पे अपने पन्ना प्रमुख बनाकर जैसे भी, तो उसी पैटर्न को अगर हम लोग भी अमल में लाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ मैन टू मैन मार्किंग करके हम लोग भी इलेक्शन जीत सकते हैं। सर, महाविकास आघाड़ी के अंदर, इंडिया आघाड़ी के अंदर वंचित पार्टी को समावेश करने का, उस वंचित पार्टी समावेश है BJP के साथ, लेकिन MIM इतनी रिक्वेस्ट करने के लिए इंडिया आघाड़ी के अंदर क्यों शामिल नहीं करी? अब इंडिया आघाड़ी वालों को मालूम होगा कि हमसे क्या एलर्जी है, या बहुत आपने तो मेरे मतलब दिल की बात बोल दी है कि लोगों में ये सवाल रहता है बहुत कि आप लोग इंडिया में जुड़ जाओ, आप लोग इंडिया में जुड़ जाओ, तो आपने ये बता दिए पत्रकार होने के नाते कि MIM वाले चाह रहे हैं इंडिया में जुड़ने के लिए, लेकिन ये इंडिया वाले हमको नहीं ले रहे। तो जो लोगों का सवाल था उसका जवाब आपने दे दिए कि MIM चाहती है BJP को रोकना और इंडिया आघाड़ी का हिस्सा बनना, जिसका ऐलान हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कर दिए हैं, लेकिन इंडिया वाले, इंडिया आघाड़ी वाले, इंडिया वाले तो हमको एक्सेप्ट किए हैं, इंडिया आघाड़ी वाले हमको आघाड़ी में नहीं ले रहे, वो रीज़न उनको ही बताओ। सर, नीतीश कुमार अचानक आज BJP में उनका मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, तो इंडिया को छोड़कर फिर से वो इंडिया में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ उनके ऊपर कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनका नाम पलटूराम है बोलते हैं, जो पॉलिटिक्स में बोला जाता है उनको। तो अगर वैसे आदमी के भरोसे आप भाजपा से लड़ने के लिए अगर आघाड़ी बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बनने से पहले ही वो आघाड़ी बहुत वीक है, वो नहीं चलने पाएगी। सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अकबरुद्दीन ओवैसी इंग्लैंड में एक मीटिंग करे, उसकी वजह क्या आपको समझ में? नहीं नहीं, ये लोग दावोस गए थे साथ में, मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लंदन में थे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री दावोस गए थे, शायद वापसी में वहाँ आए होंगे। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी नहीं है, तो राजकीय नेता मिले तो कोई ना कोई वजह हो सकती है, लंदन है घूमने की जगह है, दोनों मिलके घूम रहे होंगे। सोलापुर में फ्यूचर में आसद ओवैसी या तो अकबर ओवैसी की सभा होने वाली है? नहीं है, 100% होगी, और एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी, वेट एंड वॉच। सर, लोकसभा का कोई उम्मीदवार है? अभी फिलहाल तो नहीं है, हमारे अनवर सादात साहब आए हुए हैं, वो इसी बात पर हम लोग ने चर्चा की है कि क्या हालात है, कैसा है, क्या है देखना, और ये सोलापुर की सीट रिजर्व्ड है, तो रिजर्व्ड उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा, तो अभी हम लोग की तहकीकात चालू है, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं। सर, शहर मध्य की खाली ये तैयारी है या दक्षिण उत्तर के इलेक्शन के लोग विधानसभा की तैयारी? मेरे हाथ में सोलापुर जिला है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से 11 मतदार संघ आते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ फेवरेबल दिखेगा MIM अपने उम्मीदवार वहाँ पर उतार। सोलापुर में पिछले महीने नीतीश राणे आकर गए, उसके बाद थोड़ा सा बवाल हो गया था, और सोलापुर में कल आ रहे हैं नीतीश राणे, क्या कहना चाहिए? बस मैं यही बोलूँगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, कमिश्नर साहब से, कि उनके आने पे रोक लगाई जाए, उनको परमिशन नहीं दी जाए, क्योंकि उनके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होता है। वो जो जहरीले टीका टिप्पणी करते हैं एक विशेष समाज के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे कानून में इसकी इजाज़त है, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे CP साहब इसको रोकना चाहिए, और जो जुल्म हो रहा है बच्चों पर उसका उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।